मैंने ये सब कपड़े निकाल रखे हैं जो हमको कल पहनना है। तो ये है शोहर जी का जुब्बा जो कि वो सुबह नमाज के लिए पहनेंगे, और ये ईद का है उनका पठानी, और ये जो है ये तीनों हमारे हैं, ये मेरा है, मैंने चूड़ी भी निकाल कर रखी है, ये अनु का है और ये जोया का है। जोया के लिए मैंने दो हिजाब ऑप्शन दिया है, अभी उसको जो कंफर्टेबल लगेगा वो पहनेगी, और मेरा हिजाब तो ये रहेगा। और शोहर जी के लिए मैंने तीन तीन टोपियाँ निकाली, अब उनको जो भी अच्छी लगे वो पहन लेंगे और वो जल्दी चले जाएंगे। अभी बज रहे हैं 3:30 पौने 4। मैंने दूध भी बॉईल करके रख दिया है, मुझे अपनी नींद कवर करनी है बिकॉज़ बहुत लेट हो गया है, और एक दिन पहले भी नींद नहीं हुई थी। सो अब जो है ये तैयारी हो चुकी है, अब कुछ चीज़ ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहीं पर सारी चीज़ मिल जाएगी। तो फटाफट बच्चे भी रेडी हो जाएंगे, शौहर जी भी रेडी हो जाएंगे और मैं भी रेडी हो जाऊंगी। सो मैं हमेशा ईद हो, कुछ फंक्शन हो, कुछ भी हो, मैं सब ऐसे सेट बना कर रखती हूँ ताकि फटाफट उठाओ और पहन लो, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो आप लोग भी अगर फंक्शन हो, ईद हो, तो आप लोग भी ज़रूर ये ट्रिक अपनाइए ताकि इधर उधर कोई चीज़ ढूंढना ना पड़े। सो अब जो है अब मैं सोने जा रही हूँ और फिर मैं आप लोगों से ईद के दिन मिलती हूँ, चलिए सुबह मिलती हूँ मतलब। अल्लाह हाफिज़। تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, और आपकी दुआ से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारे प्यारे यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से ईद मुबारक। शोहर जी गए हैं नमाज के लिए, वो आ जाएंगे फिर मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। बच्चे लोग, अजोया उठ गई है, रेडी हो रही है, अनाया को उठा रही है, तो हम सब बाद में रेडी होंगे। मैं अभी सिंपल कॉटन का ड्रेस पहना है मैंने बिकॉज बहुत गर्मी है और किचन में मुझसे काम नहीं होगा। अब मुझे शिरखुरमा बनाना है, दूध मैंने दो बार तो बॉयल कर चुकी हूँ, अब फाइनली शिरखुरमा बनाऊँगी तो उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। मैं झटपट से रेसिपी बताऊंगी, मैंने पिछले साल भी आप लोगों को रेसिपी बताई है, इस साल भी मैं आप लोगों को बताती हूँ फटाफट, 5-10 मिनट में फटाफट मैं आप लोगों को बता दूंगी, वरना बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा तो मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगी। सो बस अभी हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग और चलते हैं। किचन शोहर जी आ गए हैं नमाज से, ईद मुबारक। फोन स्टार्ट हो गए अब सबके, तो अब मैं आप लोगों को किचन में मिलती हूँ, ठीक है? चल मैं झटपट से आप लोगों को शिरकुरमा मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए पहले मैं घी इसमें कढ़ाई में ऐड करूँगी थोड़ा सा, तब तक के हम सेवई को भून लेंगे अच्छे से, ठीक है? थोड़ी सी सेवई ली, आपको आप अपने हिसाब से। तो ये जो सेवैया है ये अच्छे से हमको घी में फ्राई करना है, और मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने केसर भिगा के रखा था, और ये जो है ये मिल्क पाउडर और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर मैंने दूध में ऐसे घोल के रख दिया है, बादाम, पिस्ता, काजू, खजूर, और ये है चारुली, और हमें ऐड करना पड़ेगा खवा, ठीक है? तो ये सब ये भी सब फ्राई करेंगे ड्राई फ्रूट्स, और फिर सारी चीज़ें हम दूध में ऐड करेंगे। मैंने 4 लीटर दूध लिया है, ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर दूँ सारे। थोड़ा सा घी ऐड करके ही ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो गए, लेकिन मैं इतना नहीं डालूंगी, थोड़ा सा पार्ट रख दूंगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खवा जो है ज़्यादा नहीं, बस फ्लेम को बंद करना है, बस गर्म हो चुका है अच्छे से, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा भूनना है। अब मैं दूध में शक्कर ऐड करूँगी,
शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए, मैं ज़्यादा मीठा नहीं प्रिफर करती हूँ। इसमें थोड़ा सा मेवा ऐड करूँगी, ड्राई फ्रूट्स, और इसमें डालूंगी मैं सेविंग, और हमें इसे अच्छे से पकाना है सबको। ये मैं लास्ट में डालूंगी, ये जो पेस्ट है ना ये लास्ट में। अब ये पेस्ट ऐड करूंगी, इससे ना आपका शीरकुरमा थोड़ा थिक और क्रीमी बनेगा। लास्ट में खोआ ऐड करेंगे, अनाया उठ गई है। तो हमारा शीरकुरमा रेडी है, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी सैफरन, केसर थोड़ा सा ऐड करना है, एंड दैट्स इट। और 5 मिनट तक पकाना है, और हमारा शीरकुरमा इज रेडी। बस मैं ऐसे शीरकुरमा बनाती हूँ। अब मैं रेडी होने के बाद आप लोगों से बोलती हूँ। तो ये कौन आ गया है? जोया के फ्रेंड्स आ गए हैं, और जोया का लुक आप लोगों ने पहले ही देख लिया। ओ ये मैं सरप्राइज रखने वाली थी, बट इसने पहले ही ड्रेस पहन लिया, कोई बात नहीं। तो सब फ्रेंड्स आ गए हैं, सब लोग के घर पे जाकर हो गया, खुशी का बाकी है। अभी तुम खुशी के घर पे ही दिखोगी लगता है ना। और ये है हमारी चिटुकली, इसको भी मैंने अभी रेडी नहीं की, अब वो हो जाएगी है ना मामा। अब वो थोड़ी नींद में, शाम में। ओके, सबको क्या बोलेंगे? ईद मुबारक। बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, कुछ शूट करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी उसके फ्रेंड्स लोग आए, मैं हमने जिस जिसको दिखा सकते हैं ना, मैं उन लोगों को दिखाऊंगी आप लोगों को। अब जिसके फ्रेंड्स आए वो लोग तो ब्लॉग में आ सकते हैं, तो उन लोगों को दिखा रही हूँ। मैं उन लोगों को अभी शीरकुरमा दूंगी, तो चलिए। बहुत कम कम निकाले ये भी खाओ चिप्स। जोया लो ना तुम्हारा, चलो शीरकुरमे का जेन्युइन रिव्यू दो, कैसे लगा? जेन्युइन ना, जेन्युइन चाहिए मुझे। खुशी ऐसे मत बोलो, जो है वो पक्का सच है बोलो। बहुत अच्छा है। इंसिया, इंसिया को नहीं देखा होगा, तुम बर्थडे पे नहीं आई थी ना? नहीं, इंसिया इसको अभी देख रहे ना, ये भी जोया की फ्रेंड है। और कैसे लगा? ठीक है, ये तो तारीफ करेगी, प्रोफेशनल शेफ। मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मैंने टेस्ट तक नहीं किया, इसलिए मैं तुम लोगों को पूछ रही हूँ कैसे बना, बताओ। अच्छा है, अनु को भी पसंद आया है ना बेबी? हाँ। अच्छा, सब लोग को ईद मुबारक नहीं बोल रहे आज तुम, क्या हुआ? आज है ना जल्दी उठी है ना इसलिए। हेलो हेलो, मेहंदी दिखा तुम्हारी। हाँ देखो कितना कलर, देखो टिप्स का कलर आ गया, तुम बोल रहे थे ना नहीं आएगा। अच्छा चलो खाओ। नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए। थैंक यू आंटी, अभी जब जल्दी आएगा। थैंक यू। अब हो गया है लंच टाइम, हम लोग खाना खाते हैं, बिकॉज हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, थोड़ा सा फ्रूट ही खाया था। और मैं तो शीरकुरमा पीती नहीं हूँ, और बस अभी भूख लग गई है सबको, जोया को सबको। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर आप लोगों को ईद लुक क्रिएट करके दिखाते हैं। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम सब रेडी हो चुके हैं, और ये रहा मेरा आज का लुक, आप देख सकते हो। और जोया, अनाया, शॉर्जी सब आ जाओ, अब हम जा रहे थोड़ा नीचे फ़ोटो निकालने, फ़ोटो वोटो निकाल कर फिर आपको पूरा ड्रेस का लुक दिखाएंगे। आ जाओ जोया। तो ये शॉर्जी है, ईद मुबारक। सुबह में फ़ोन आया तो मैं वैसे ही चला गया।
ईद मुबारक चोनी, कितनी प्यारी लग रही है। ईद मुबारक, ईद मुबारक एवरीवन। तो हमारा जो फुल लुक है ना, एक साथ हम रुक के आप लोगों को दिखाते, अब नीचे चलते और फोटो निकालते, लंच वगैरह सब हो गया है, बस अभी निकलते चलो। ईद मुबारक बोलो सबको। आज ये लड़की शर्मा रही है। तो ये था हमारा लुक, जो कि आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ड्रेस आएगा और कब हम आपका ईद लुक देखेंगे। तो ये रहा हमारा ईद लुक। थैंक यू सो मच। अब जो है अब घर जाएंगे, फिर उसके बाद आगे क्या होता है फिर आप लोग। चुके हैं, अब जो है मैं सोच रही हूँ अब व्लॉग एंड करती हूँ। मगरिब का टाइम हो गया है, बस अभी मेरे घर वाले आएंगे और फिर हम लोग डिनर करेंगे, बस इतना ही। इसलिए मैं सोच रही हूँ व्लॉग एंड करते हैं आज। अनाया भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई, बिकॉज वो बहुत जल्दी उठ गई थी, आप देख सकते हो, आप फिर रुक के रो रही है। इधर आओ शनी, कम, वो भी बहुत तंग कर रही है, नींद नहीं हो गई है पूरी, तो फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसको चेंज कराती हूँ, खिलाती हूँ और थोड़ा उसे सुला देती हूँ, या फिर हम लोग आज जल्दी सो जाएंगे, हम लोग सब बहुत थक चुके हैं। और आप लोगों की ईद कैसे गई ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप लोगों ने क्या क्या पहना है मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लीजिए, मुझे फ़ोटो भेजिए आप लोगों ने क्या पहना है, और हम लोग का आउटफिट आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए, मेरी चॉइस कैसे लगी ये भी बताइए। बस आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आप लोगों को ये ईद का व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ तो बोलो शनी, अल्लाह हाफिज़ तो बोल दो। नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं, ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़।